Hello everyone, welcome to Being a Best Teacher YouTube channel. In this lecture, we are going to understand about the topic teaching aids. या हम teaching learning material भी बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? बात सेम है, नाम दो है बस. Teaching learning material, short form में बात करें तो TLM, ठीक है? TLMs भी बोला जाता है. Basically यहाँ पे देखिए, हिंदी में बोलते हैं सहायक सामग्री, यानी कि आप कुछ ऐसे चीज़ों का यूज़ करते हो जो आपको टीचिंग करने के लिए ज़रूरी है, आपकी टीचिंग के लिए एक हेल्पिंग मटेरियल हो जाता है, ठीक है? लेट सपोज एग्जांपल देती हूँ मैं आपको. आप बच्चों को फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहे हो, ठीक है? तो फोटोसिंथेसिस पढ़ाते वक्त टीचर क्या करेगी, वहाँ पे एक पौधा जो है रियल पौधा क्लास में लेके जाएगी, तो ये हो जाएगा एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है? टीचिंग एड्स के रूप में. ऐसे ही आप लेट सपोज कोई चैप्टर पढ़ा रहे हो और उस चैप्टर के लिए आप चार्ट बनाते हो बच्चों को डिस्प्ले करने के लिए, दिखाने के लिए, तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, राइट? सो इसी तरीके से जो टीचर्स होते हैं, ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स के लिए हम यहाँ पे अलग अलग तरह के टीचिंग लर्निंग मटीरियल का यूज करते हैं, राइट? सो लेट्स स्टडी अबाउट दिस टॉपिक टीचिंग एड्स इन ब्रीफ टुडे. सबसे पहले बात करेंगे टीचिंग एड्स के मीनिंग की. देखिए, हम सब जानते हैं कि आज का समय साइंस और टेक्नोलॉजी का समय है. ना जाने कितनी सारी टेक्नोलॉजी की चीज़ें हमारे इर्द गिर्द है. इनफैक्ट आप ये वीडियो देख पा रहे हैं वो भी टेक्नोलॉजी का ही एक साधन है ना? तो हमें पता है कि भाई आज के टाइम में बहुत ज़रूरत है कि जब हम डिपेंडेंट हो चुके हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, तो हम अपनी टीचिंग में भी इसको लेके आए, राइट? उसका फायदा जो है वो हम अपने बच्चों को भी दें, राइट? सो दैट आने वाली पीढ़ी और साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल बन सके और देश की तरक्की में और मदद कर सके, राइट? देखिए, यहाँ पे बहुत ज़रूरतें हैं टीचिंग एड्स की, राइट? सबसे पहले बात करें तो टीचिंग एड्स क्या होता है, इफेक्टिव वे में बच्चों को समझने में मदद करता है. अगर प्रॉपर तरीके से टीचिंग एड्स की यूज किया जाए तो यहाँ पे जो बच्चों को कॉन्सेप्ट है वो देखिए ज्यादा समय तक याद रहते हैं और कॉन्सेप्ट परमानेंटली भी उनको याद रह जाता है. वो भूलेंगे नहीं उस कॉन्सेप्ट को, उनको बिल्कुल सही तरीके से वो समझ आएगा, ठीक है? सेकेंड है कि स्टूडेंट यहाँ पे बेटर तरीके से लर्न कर पाते हैं, साथ में वो मोटिवेटेड भी रहते हैं, राइट? क्योंकि देखिए, जब आप कुछ चीज़ें पढ़ाते हैं, सिर्फ एक लेक्चर नहीं होता है. अगर लेक्चर ही होगा क्लास में और कुछ नहीं है, आप दिखा नहीं रहे हो, सिर्फ बोल रहे हो, तो बच्चों के लिए ना बहुत बोरिंग हो जाएगा, राइट? सो यहाँ पे बच्चों को आप रोज़ अलग अलग चीज़ें दिखाते हो, हर चैप्टर के लिए कुछ नया क्लासरूम में टीचिंग एड टीचिंग लर्निंग मटीरियल लेकर जा रही हो, तो बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं और मोटिवेटेड फील करते हैं, अच्छे से सीखते हैं, राइट? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो थर्ड है यहाँ पे, टीचिंग एड्स डेवलप द प्रॉपर इमेज व्हेन द स्टूडेंट सी हेयर टेस्ट एंड स्मेल प्रॉपरली. देखिए, टीचिंग एड्स जो होते हैं सेंसेस से जुड़े होते हैं, या तो बच्चे उसको देखेंगे, या देखेंगे और साथ में सुनेंगे भी, या सिर्फ सुनेंगे, या कुछ टेस्ट कर रहे हैं, राइट? कुछ स्मेल कर रहे हैं या कुछ छू रहे हैं, तो उससे क्या होता है, जब सेंसेस से कोई चीज जुड़ती है हमारी 5 सेंसेस से, तो वो परमानेंट लर्निंग हो जाती है या एक इफेक्टिव लर्निंग हो जाती है, राइट? सीधा दिमाग में कॉन्सेप्ट जाते हैं, तो टीचिंग एड्स इसमें बहुत हेल्प करता है, राइट? नेक्स्ट इज टीचिंग एड्स प्रोवाइड कंप्लीट एग्जांपल ऑफ कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग. जो भी आप कॉन्सेप्ट बच्चे को बताने की कोशिश कर रहे हो, लेट सपोज आप क्लासरूम में एक मॉडल लेकर जाते हो, ठीक है? वर्किंग मॉडल हो सकता है या नॉन वर्किंग हो सकता है, और आप बच्चे को वो दिखा रहे हो, तो क्या होगा, बच्चा प्रॉपरली उस मॉडल की मदद से जो है पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाएगा, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? नेक्स्ट इज द टीचिंग एड्स क्रिएट द एनवायरमेंट ऑफ इंटरेस्ट. बिल्कुल बच्चों का इंटरेस्ट देखिए उस सब्जेक्ट में और उस टॉपिक में, दोनों में क्रिएट हो जाता है. बच्चे सब्जेक्ट से प्यार करने लग जाते हैं, लव डेवलप होता है उनके अंदर उस सब्जेक्ट के लिए. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम टीचर्स साइड दैट वी आर गोइंग टू यूज मोर एंड मोर टीचिंग एड्स इन आर क्लासरूम, राइट? ओके, नेक्स्ट इज टीचिंग एड्स हेल्प्स टू इंक्रीज द वोकैबुलरी ऑफ द स्टूडेंट्स. बिल्कुल यहाँ पे वोकैबुलरी, बच्चों का जो शब्द भंडार है वो भी देखिए ज्यादा इंक्रीज बढ़ता जाता है, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज ऑल्सो लाइक वन ऑफ द नीड ऑफ टीचिंग एड्स, राइट? कमिंग टू द नेक्स्ट,
Teaching aids helps the teacher to get some time and make learning permanent. देखिए टीचर का भी समझाने का काम ठीक है, कहीं ना कहीं टीचिंग एड्स को यूज करके कुछ हद तक कम हो जाता है, टीचर का बर्डन कम हो जाता है, टीचर अब आसानी से अपना कॉन्सेप्ट समझा पाता है, राइट? और बच्चों के साथ क्या होता है, लर्निंग परमानेंट हो जाती है उनकी. सो फॉर दिस यूसेज वी नीड टीचिंग एड्स, राइट? नेक्स्ट इज टीचिंग एड्स प्रोवाइड डायरेक्ट एक्सपीरियंस. बिल्कुल डायरेक्ट एक्सपीरियंस रहता है, बच्चे देख कर 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 लर्निंग बाय डूइंग या प्रॉपरली विजुअलाइज करके जो है सीखते हैं, राइट? ओके, अब बात करते हैं टाइप्स की, कि टीचिंग एड्स के टाइप क्या है. देखिए अभी हमने नीट किया है, ये सेम पॉइंट्स आपको इम्पोर्टेंस में भी लिखने हैं, ठीक है? इम्पोर्टेंस में भी आप सेम पॉइंट्स लिखें, अगर क्वेश्चन में नीट की जगह इम्पोर्टेंस पूछता है तो. टाइप्स की बात करें तो तीन टाइप्स के टीचिंग एड्स होते हैं. पहला है विजुअल एड्स, दूसरा है ऑडियो एड्स और तीसरा है ऑडियो विजुअल एड्स. आप इसके लिए यहाँ पे ऐसे पॉइंट में लिखे, अदरवाइज एक फ्लो चार्ट इसके लिए ड्रॉ कर सकते हैं. फ्लो चार्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आपके आंसर को ऑर्गेनाइज कर देता है एंड आपको हेल्प करता है ज्यादा से ज्यादा मार्क्स दिलाने में. ओके, विजुअल एड्स की बात करते हैं तो देखिए विजुअल एड्स होते हैं जिनको आप सिर्फ देख सकते हो, ठीक है? वो कैसे होंगे, जैसे कि चार्ट पेपर, मैप्स या कोई पिक्चर्स आप बच्चों को दिखा रहे हो, बुलेटिन बोर्ड पे कुछ दिखा रहे हो, ओवर व्हाइट प्रोजेक्टर्स का यूज कर रहे हो, ब्लैक बोर्ड हो गया, चॉक हो गया, राइट? सो ये सब किस में आया, ये सब आया टीचिंग विजुअल एड्स में, राइट? मॉडल्स हो गए, ठीक है? सो विजुअल टीचिंग एड्स. नेक्स्ट इज ऑडियो एड्स, जिनको सिर्फ सुन सकते हैं, देखने का यहाँ पे कोई इतना महत्व नहीं होता है, जैसे कि रेडियो हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, ग्रामोफोन हो गया, राइट? जैसे आप बच्चे को जो है कोई समाचार सुना रहे हो, कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हो थ्रू रेडियो, राइट? तो वो ऑडियो एड्स के अंदर आएगा. थर्ड इज ऑडियो विजुअल एड्स. देखिए ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं जब आप दोनों को ऊपर वन और टू, विजुअल एड्स और ऑडियो एड्स दोनों का कॉम्बिनेशन कर देते हो, जहाँ पे बच्चा देख भी रहा है और सुन भी रहा है. जैसे कि आप बच्चे को कोई वीडियो दिखा रहे हो, राइट? या बच्चे को आप कोई टेलीविजन में प्रोग्राम दिखा रहे हो, या बच्चों को कोई फिल्म दिखा रहे हो, राइट? तो ये सब ऑडियो विजुअल एड्स के अंदर आएगा. सबसे इम्पोर्टेंट आज के टाइम में ये है, ठीक है? बच्चों की बहुत अच्छे से लर्निंग इससे हो जाती है, तो ज्यादा से ज्यादा हम इसी का यूज करते हैं. अब टीचिंग एड्स की इम्पोर्टेंस की थोड़ी सी और बात करेंगे, क्यों? देखिए ऑलरेडी मैंने आपको बोला यही पॉइंट्स आपको इम्पोर्टेंस में भी डालने हैं, कुछ अलग नहीं है, बट स्टिल आई एम गिविंग यू कि अगर नीड और इम्पोर्टेंस दोनों मिल पूछ लेता है, कि नीड क्या है, लेट सपोज ये 5 मार्क्स का है, इम्पोर्टेंस 5 मार्क्स का पूछ लेता है, कंबाइंड क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है? तो आप इस तरीके से लिखेंगे कि टीचिंग एड्स बच्चे को मोटिवेट करते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करने में हेल्पफुल रहते हैं. यहाँ पे डिस्करेज होता है क्रैमिंग, की बच्चे अब रट्टा नहीं लगाएंगे क्योंकि चीजें समझ रहे हैं, तो उनको रट्टा लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट इज इंक्रीज द वोकैबुलरी, बच्चों की वोकैबुलरी बढ़ती है, बच्चों का जो टाइम और मनी है वो बचता है, एंड बच्चों का ही नहीं इवन स्कूल का, टीचर्स का, राइट? और क्लासरूम यहाँ पे लाइव रहती है और एक्टिव रहते हैं, बच्चों का इन्वॉल्वमेंट थ्रू आउट द क्लास रहता है. देखिए बोरिंग क्लास अब नहीं रह जाती है अगर आप टीचिंग एड्स का यूज करते हैं, तो वो डलनेस जो क्लासरूम के अंदर होती है वो चली जाती है. नेक्स्ट इज डायरेक्ट एक्सपीरियंस, बच्चों को जो है मिलता है लर्निंग का, राइट? बिकॉज दे आर एक्टिवली इन्वॉल्व थ्रू आउट द प्रोसेस, थ्रू आउट द लर्निंग, राइट? सो दिस वॉज आर टॉपिक अबाउट टीचिंग एड्स. बहुत इजी टॉपिक है, मैं उम्मीद करती हूँ टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा. कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन, यू आर फ्री टू कमेंट देयर योर क्वेरीज. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, होप टू सी यू ऑल इन नेक्स्ट लेक्चर वेरी सून. थैंक यू.